नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 15th of February है और फ्राइडे का दिन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रोज़ की तरह आपकी राशियों की। सबसे पहले मेष राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं एरीज के लिए द हर्मिट एंड फोर ऑफ पेंटाकल्स। तो इस राशि के जातकों को आज खर्चा करना पड़ सकता है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। पहले जो आपने काम किए हैं आज के दिन में, उसका उन एफर्ट्स के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है, पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। उपाय की बात करी जाए तो आज माँ लक्ष्मी का दिन है, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। श्रीम मंत्र का जाप आप लोग करेंगे। टॉरेंस कार्ड निकल रहे हैं द एम्प्रेस एंड द जस्टिस। तो आज का दिन वृषभ राशि वालों को जीवन साथी के भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, आज के दिन में आपके पार्टनर का लक फैक्टर जो है वो आपके लिए काम करेगा, लकी चार्म आपके लिए काम करेगा। आज कोशिश करें चलने में सावधानी बरतें, व्हीकल चला रहे हैं तो सावधान रहिए, चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। वृषभ राशि वाले लोग जो हैं आज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अगर करेंगे धन लाभ के योग बनेंगे आप लोगों के लिए। उपाय की बात करी जाए तो आज माँ लक्ष्मी को केसरयुक्त खीर का भोग लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। जेमिनाइज की बात कर लेते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। तो आज सरकारी कार्यों को निपटाने का दिन है। जो यहाँ सरकारी पक्ष से अगर कोई कार्य जो थे वो अटके हुए थे किसी कारणवश, डिलेज उसमें आ रहे थे, तो आज ये सभी कार्य आपके खत्म हो सकते हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज दिन शुभ रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मे बी आज आपको अपने सीनियर्स की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। व्यापार में बढ़ोतरी के योग नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उपाय आज क्या करेंगे, संध्या काल के समय घर में लोबान की धुनी देना अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि का। आज निकल रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड फोर ऑफ पेंटाकल्स। तो आज के दिन में आपका लक फैक्टर आपका साथ जरूर देगा। धर्म कर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ नजर आ रही हैं। कोशिश करनी है आज किसी भी तरीके के एडिक्शन से बच करके चलेंगे, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उपाय, आज शाम के समय चंद्रमा को अर्घ जरूर देंगे। ऐसा करने से आपकी जो एंग्जाइटीज हैं वो खत्म होंगी, साथ ही में आई से जुड़ी हुई दिक्कतें भी खत्म होंगी। चलिए बात करते हैं सिंह राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए एट ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो इस राशि के जातकों के लिए आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप दिन से नहीं लगा सकते हैं। आज कोशिश करनी है कि फाइनेंशियल पार्ट को डील करते वक्त थोड़ा सावधान रहिए, किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, बड़े अमाउंट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, और खासतौर पर जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन कर रहे हैं आज थोड़ा सावधान रहिए। इसी के साथ पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो आज मित्रों से तनाव मिल सकता है। आपके जो लव्ड वंस हैं, हालांकि जो शुभचिंतक हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन जो बहुत क्लोज वंस हैं, जो आपके दोस्त हैं संबंधी, उनसे आज तनाव की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर बात करी जाए उपाय की तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज ज़रूरी है माँ लक्ष्मी के मंदिर में लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने से आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो खत्म होंगी। चलिए बात करते हैं कन्या राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं टेन ऑफ पेंटाकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए आज परिश्रम करने का दिन है। जी हाँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। वैवाहिक जातक जो है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों के लिए भी आज आपसी रिश्तों में तालमेल बनी रहेगी। इसी के साथ अगर बात करी जाए आपके लिए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। करियर को लेकर के अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो आज सीनियर से राय मशवरा ज़रूर करें। उपाय की बात करी जाए तो आज कन्या राशि वाले जो लोग हैं चंदन का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं लिब्रंस की, कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए टेन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो आज के दिन में खर्चे बढ़ सकते हैं आप लोगों के लिए, हालांकि आय के नए स्रोत भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पैसा है आपके पास उससे आपको कर्ज चुकाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर बात कर जाए पर्सनल रिलेशनशिप्स की तो उसमें बेटरमेंट के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं पे अभी तक जो वाद विवाद वाली स्थितियाँ चल रही थी वो खत्म हो रही हैं। तो तुला राशि वालों के लिए हर चीज़ बैलेंस रहेगी, कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल पार्ट जो है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। उपाय की बात करी जाए तो आज का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, और जैसे मैंने कहा कि धन संबंधी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो संध्या काल के समय आज लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ ज़रूर करेंगे। वृश्चिक राशि, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। इस राशि के लोगों के लिए आज शिक्षा के हिसाब से दिन काफ़ी शुभ है। तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो राइटर्स हैं, जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मे बी अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी मिल सकती हैं। मित्रों का सहयोग आप लोगों को मिलेगा, धन लाभ के लिए भी योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं पर आपको जुड़ा हुआ जो आपका पैसा था उससे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। अगर उपाय की बात करें तो आज कोशिश करें सबसे पहले तो ब्लू कलर को आप लोग अवॉइड करेंगे। ब्लू कलर पहनना या अपने साथ कुछ भी उसका जो टच है वो उसको आप अवॉइड करेंगे। साथ ही में कोशिश करनी है कि शाम के समय अपने घर के आंगन में या फिर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गाय के घी का दीपक जरूर जलाइए। चलिए बात करते हैं धनु राशि,
कार्ड्स निकल रहे हैं किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए सार्वजनिक कार्य जो है उसके लिहाज से आज का दिन काफ़ी शुभ होगा। तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आज काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। प्रसिद्धि बढ़ेगी लेकिन कुछ तनाव भी आपको देकर के जा सकती है। लोगों की कही हुई बातें आज आपको परेशान कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह करके कोई ऐसा कार्य नहीं करना है आपको और कोशिश करनी है आज कोई मेजर डिसीजंस आप लोग नहीं लें। अगर बात करें उपाय की तो आज के दिन में इलायची खा करके दिन की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए द स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ कप्स। तो इस राशि के लोगों को आज परिश्रम यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। हालांकि जितना आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंगली आज रिजल्ट्स थोड़े से कम मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे करके सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल होती चली जाएंगी। खर्चा बढ़ रहा है, भाग दौड़ आज बढ़ेगी लेकिन मनचाहा परिणाम जो है उसको पाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उपाय की बात करी जाए तो आज माँ लक्ष्मी के किसी भी मंदिर में जा कर के हलवे का प्रसाद आपको वितरित करना है। कोशिश करें अगर छोटी कन्याएं आपको मिल जाती हैं तो उनमें ज़रूर वितरित करें। कुंभ राशि का आज निकल रहे हैं टू ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटाकल्स। तो आज आपके लिए जो संचित पैसा है उससे आप व्यापार की शुरुआत करी जा सकती है। रुका हुआ पैसा आज आपको वापस ज़रूर मिलेगा। कोशिश करनी है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसे संध्या काल के समय कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज अच्छा दिन है। शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं आप लोगों के लिए आज दिन काफ़ी अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। इसी के साथ खुद का व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआत आज अच्छी रहेगी चाहे किसी भी चीज़ की हो। बिगिनिंग्स जो हैं चाहे वो आप नई जॉब की करें नए व्यापार की करें बिगिनिंग्स आज आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। उपाय की बात करी जाए तो आज कोशिश कीजिए डोनेशंस आप या तो स्टेशनरी या बुक्स से जुड़ा हुआ नीडी बच्चों को ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं मीन राशि। आज निकल रहे हैं द टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ वॉन्स। तो इस राशि के लोगों का आज मन काफ़ी खुश रहेगा। जी हाँ, काफ़ी हद तक ऐसी स्थितियों में आप एक्साइटेड रहेंगे। आप ऐसे काम के लिए जिसमें कि जो कि आपके इंटरेस्ट का होगा उसमें काफ़ी हद तक आप एक्साइटेड रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और साथ ही में डोनेशंस में भी आज आप विश्वास रखेंगे। व्यापारिक अनुबंध जो हैं वो आज पूरे हो सकते हैं। आप लोग अगर ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे थे तो आज के दिन से प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो बात करें अगर उपाय की तो आज के दिन में आपको माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोग रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल आज के दिन में अपने रूम्स में लाकर के प्लेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो टेक के साथ।